हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द कैथोड ऑफ ए फोटोसेल इज इंक्रीज्ड, हाउ विल द फॉलोइंग बी अफेक्टेड? जस्टिफाई योर आंसर। एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटो करंट, ये दोनों चीजें कैसे अफेक्ट होती है हमें ये बताना है। सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन हियर। तो की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज हमें मेनली यहाँ पे निकालना है कि जो एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन की वो कैसे अफेक्ट होगी और करंट कैसे अफेक्ट होगा। सो इसके लिए हमारे पास एक आइंस्टाइन इक्वेशन होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या कहती है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, कि जो करंट दैट मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन, दिस इज इक्वल टू द एनर्जी गिवन बाय द इंसिडेंट लाइट। ओके, दिस इज द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट दैट आर यूजिंग इन द टू फॉर्म हियर। दिस इज वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन एंड दिस इज एनर्जी गिवन टू द इलेक्ट्रॉन और गिवन टू द कैथोड। ओके, so this is the key concept of the question that we are going to solve in the question. okay, so now come to the question. अब हमारे पास इस question में frequency हमें निकालनी है incident light की, की जो frequency increase होती है तो उसकी energy photo electrons जो emit होते हैं उनकी energy कैसे increase होती है। तो हमें पता है कि जो kinetic energy होती है that is equal to frequency minus h nu minus phi nu, where h is Planck constant and nu is frequency. okay, so when mu that is equal to frequency is increase, then kinetic energy, or we can say energy of the photoelectron will increase, क्योंकि दोनों में directly proportional का relation है। यहाँ पे E is directly proportional to mu. okay, so दोनों में directly proportionality का equation है, so इसलिए energy जो होगी photoelectron की वो क्या होगी, वो increase होगी। now come to the B part में हमें क्या बोला गया है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन या फोटो करंट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो फोटो करंट है दिस विल नॉट बी अफेक्टेड, फोटो करंट विल नॉट बी अफेक्टेड, विल नॉट बी अफेक्टेड बिकॉज फोटो करंट डिपेंड्स ऑनली अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट नॉट ऑन फ्रिक्वेंसी। कि जो फोटो करंट है वो केवल लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, वो लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। सो अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज भी कर देते हैं तो फोटो करंट कोई अफेक्टेड नहीं होगा। सो दिस इज विल नॉट बी अफेक्टेड एंड हियर विद इंक्रीजिंग इन एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। सो दिस आर द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।